छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट पर है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि लोगों को पहले अपने जान की चिंता करनी चाहिए। मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत के हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये किस तरह की आप लोगों ने पहले से व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है? विकेंद्रित भी है और चिन्हांकित भी है। फिलहाल क्योंकि अभी एक भी पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नहीं आया है, कि आना जाना रहा है लोगों का। किसी भी दिन पहला केस आ सकता है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो चांसेस वैसे ही है कि कभी भी पहला केस छत्तीसगढ़ का आ सकता है। तो हर जिले में जहां संभव हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आइसोलेशन वार्ड्स चिन्हांकित किए गए हैं, जहां यथासंभव पृथक दरवाजों से भी लाने की व्यवस्था, इंटरेक्शन और लोगों से, मरीजों से कम हो वैसी भी व्यवस्था, और जहां क्वारंटीन करने के लिए अलग से हो, एक तो आइसोलेशन वार्ड हो गया जिसमें संभावित मरीज हैं। तो नवरात्र आ रहे हैं, उसको लेकर के राज्य सरकार कोई स्टैंड लेगी क्या? एक तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को स्तर के हिसाब से अधिकृत कर दिया गया है कि वो स्ट्रांग एक्शन, यानी उनको अधिकृत कर दिया गया है, रोकने का अधिकार उनको दे दिया गया है। हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से लेके संभागों के कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर, उप संभागों के SDM, इन लोगों को अधिकार कानूनन दे दिया गया है कि वो ऐसी गतिविधियों को उचित समझें तो रोक भी सकते हैं। दूसरा, नवरात आ रहा है, नवरात के पहले उस समय के लोगों का जुटना परहेज करना चाहिए इस साल। उसके पहले नवधा रामायण की हमारे यहाँ परंपरा है, वो सिलसिला चल पड़ा है, उसके लिए हमको बिल्कुल सतर्कता से, धार्मिक भाव अपनी जगह है, उसका पूरा सम्मान है, उसका पूरा स्थान है, तो श्रद्धा भाव संपूर्ण रहे, लेकिन अपने आप को बचाने की स्थिति, संक्रमण ना फैले, उस स्थिति को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो यह था स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जो बता रहे थे कि हमको नवरात्रों में खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। रायपुर से रूपेश गुप्ता।